हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। शुभ करता हूँ सारे भाई, बढ़िया होगे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज हमारे पीछे खड़ी हुई है एक बीस यानी कि पल्सर। पल्सर जो है ये लगा लो बजाज की एक ऐसी बाइक रहने वाली है जो काफी ज्यादा आइकॉनिक रही है जब से आई है इंडियन मार्केट में तब से अभी तक। और ये जो बाइक है ये लगा लो बिगेस्ट पल्सर एवर में से रहने वाली है एक, क्योंकि इससे बड़ी पल्सर ना तो कभी आई और ना अभी तक आई है। फिलहाल यहाँ पे आ चुकी है 400Z जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फटाफट से इसको कर देते हैं अनवील, क्योंकि ये जो है ना स्टैम्प पे लगा लो पर्दे में खड़ी हुई है, तो इसकी घूंघट जो है मैं उतार देता हूँ फटाफट। तो ये लो जी, ये देखो जी, स्टार्ट करें 1 2 3। हाँ, अग्रेसिव रहने वाला है। सबसे मेन जो आई कैची चीज है ना वो है इसकी फ्रंट की DRL, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ना हल्का सा जेड वाला जो है ना टच देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसका नाम रहने वाला है पल्सर NS 400Z। तो जी कैटेगरी जो है ना ये अब नई एड ऑन हो चुकी है पल्सर सीरीज में। तो ये लगा लो बाइक का जो है ना फटाफट से करते हैं रिव्यू, क्या क्या बाइक में देखने को मिल जाता है इस बाइक में। तो फटाफट से ना फ्रंट से रेयर तक करते हैं बाइक को एक्सप्लोर। तो फटाफट से ना बाइक के टायर की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में तो आपको नॉन रेडियल टायर मिलता है एंड रेयर में मिलता है आपको रेडियल, ठीक है। साइज की अगर बात करें यहाँ पर तो साइज मिलने वाला है 17 इंच का जो है हमारे ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि नॉन रेडियल रहने वाला है। और ये लगा लो स्पोक्स टाइप के व्हील रहने वाले हैं, बट ये जो है डिजाइन जो रहने वाला है थोड़ा थोड़ा ना पहले वाली ही जनरेशन वाला जो है अलॉय व्हील का रहने वाला है, ठीक है जी। बात करें यहाँ पे तो 320mm की जो है ना काफी बड़ी डिस्क लगाई गई है बिल्कुल फ्रेश डिजाइन के साथ में, ठीक है ना। मतलब ये लाइट वेट भी रहेगी और इसकी जो है ना ब्रेकिंग की बाइट भी काफी अच्छी रहने वाली है। तो ग्रीम कलर यहाँ पे कैलिपर देखने को मिल जाता है। एंड्योरेंस के यहाँ पे जो है ना USD सस्पेंशन मिलते हैं जिसमें मिलता है गोल्डन का टच देखने के लिए, काफी ज्यादा बढ़िया। यहाँ पर जो है ना हल्का हल्का जो कार्बन वाला फील कराया गया, देख सकते हैं आप। और डुअल चैनल ABS बाइक आ चुकी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हल्का सा ना ग्राफिक कट देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना लोगों मुझे ऐसा लगता है डोमिनार की याद आता है, क्योंकि D400 का भी कुछ लोगों ऐसे रहने वाला है। बाकी मडगार्ड की जो क्वालिटी है काफी A1 रहने वाली, देख सकते हैं आप। काफी फ्लेक्सिबल है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्लास्टिक दिखा है इसके अंदर। मतलब है तो मैट फिनिश में, बट ये लगा लो काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इसमें छोटा मोटा इंपैक्ट भी आएगा ना तो ये मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। आप इस पर पत्थर भी मार दोगे ना तो भी टूटने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। और ऊपर जो है यहाँ पे प्लास्टिक की माउंटिंग मिल जाती है, देख सकते हैं आप। इसमें नंबर प्लेट आपकी यहाँ माउंट हो जाएगी। और यहाँ पे जेड वाला जो है DRL देखने को मिलेगा काइंड ऑफ, देख सकते हैं आप। तो फ्रंट का जो हेडलैम्प है कंप्लीट जो सेटअप है ये पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे सिंगल LED प्रोटेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, देख सकते हैं आप, जो काफी बढ़िया रहने वाला है। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए। तो ये जो एक है ना काफी इनफ रहने वाला है, काफी बड़ा रहने वाला है, काफी बड़ा जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प डाला गया यहाँ पे। और ऊपर इधर चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ना NS 400 की जो है ना बैजिंग मिल जाएगी, देख सकते हैं स्टिकर के साथ में। ग्लॉसी फिनिश करते हैं यहाँ पे, काउल लगाया गया, देख सकते हैं आप। और अगर ऊपर चले यहाँ पे तो काफी बड़ा एकदम बढ़िया डिजाइन वाला जो है यहाँ पे मीटर देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से मैं चाबी को पहले ऑफ कर देता हूँ, अब ऑन करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होती है, देख सकते हैं। कलर डिस्प्ले रहने वाली है ये। और यहाँ पे जो है छोटी सी आपको जो है स्क्रीन मिल जाएगी अलग से, इसमें आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बाइक के अंदर मिल जाते हैं हमको 4 राइडिंग मोड, रोड मोड, स्पोर्ट मोड, रेन मोड एंड ऑफ रोड, ठीक है। 4 मोड मिल जाते हैं। अभी बाइक जो है रोड मोड पर सिलेक्ट हो रखी है, देख सकते हैं आप। ओडोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है इसमें 1 किलोमीटर बाइक रहना है। यहाँ पे आपको फ्यूल का दिखाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल दिखाएगा, यहाँ स्पीडो दिखाएगा, यहाँ टाइम दिखाएगा, यहाँ पे साइड स्टैंड पर बाइक रहने वाली है। ये देखिए साइड स्टैंड हटा दिया है, ऊपर अपना RPM आ जाता है। ऊपर के नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर की लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में। यहाँ पे लो इंजन ऑयल का आ जाएगा, यहाँ पे DRLs का आ जाता है, न्यूट्रल साइड में, हाई बीम एंड ABS, मेल फंक्शन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल और कुछ भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इंजन हीटिंग का आता है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करना है। तो कंट्रोल स्विच यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल फ्रेश और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले मिल जाएगा ट्रिपल बटन, देख सकते हैं। ये आपका लो बीम हो गया, ये हाई, ये आपका पासिंग हो गया और ये अपना ऊपर हाई बीम हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे टॉगल करने के लिए बटन यहीं पे दिए हुए जो काफ़ी प्रीमियम रहने वाले हैं, जैसे KTM वगैरह में आते हैं वैसे ही रहने वाले हैं यहाँ पे। तो सेट के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पीड एवरेज के हिसाब से भी क्या मतलब स्पीड पर चला रहे, तो उसके हिसाब से एवरेज का जरिए वो यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, यहाँ पे ट्रिप ए दिखाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से टॉगल करता हूँ तो इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाती है हमको, तो यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको स्टार्टिंग में ना भी दिखाई। नीचे कनेक्टिविटी मिल जाती है कि उसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है, म्यूजिक वगैरह आप प्ले कर सकते हो, ठीक है जी। बैक कर देते हैं यहाँ से, मतलब जैसे फोन में होता है जॉयस्टिक काइंड ऑफ, वैसा ही यहाँ पे डाला गया है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप डाला गया है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप जब इसको आप प्रेस करोगे ना आप खुद फील करोगे कि जैसे आप रिमोट कंट्रोल नहीं होते अपने जॉयस्टिक वगैरह चलाते हैं गेमिंग वाले काम, तो गेमिंग वाला जो रिमोट होता है काइंड ऑफ वैसे रहने वाला है हिसाब के साथ। और इधर चले तो यहाँ पे ट्रिप दिखाने वाला है कि ट्रिप ए ट्रिप बी पे बाइक कितनी चली है, बाइक की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे कि अभी इसके अंदर लो फ्यूल है तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा इसको, तो यहाँ दिखाने वाला है बैटरी और आपकी डिस्टेंस टू MT, सर्विस रिमाइंडर, वो सब दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। बैक कर देते हैं यहाँ से अगेन, ये देखो जी। तो यहाँ पे लैप टाइमर आया था, जैसे अगर आपको कोई टाइमर मतलब कोई लैप लेना है आपको रोड पे और आपने देखना है भाई कितनी सेकंड्स में कितना मैं कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लैप टाइमर जो है यहाँ से सेट पे दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइड टाइमर और रीसेट लैप, मतलब समझ रहे ना। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ से
ये देखो स्टार्ट होगा यहाँ से आगे हो जाएगा, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा और ये बैक हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम बैक कर देंगे इसको, ठीक है अभी फिलहाल के लिए। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग आती है, सेटिंग में जाओ तो यहाँ पे फेवरेट्स में जो भी आपको ऑप्शन डालना हो वो आप डाल सकते हो। और अगर बात करें यहाँ पे क्विक स्टार्ट, तो वही है क्या बोलते हैं आपने क्विक स्टार्ट में जो कुछ भी आपको ऑन ऑफ करना है तो वो क्विक स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेट एंड क्लॉक आपको सेट करना हो वो कर सकते हो। ब्राइटनेस जो है डिस्प्ले की आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो मीडियम पे मैं हाई पे कर देता हूँ, ये हाई हो गई और ये अपना लो हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ रहने वाला इसमें सिस्टम। तो बेसिकली फीचर्स तो इसमें ना भर भर के दिए हुए, जो बात है मतलब बोलूँगा फीचर लोडेड बाइक रहने वाली है वाली। मतलब जितने भी मॉडर्न फीचर होते हैं ना आज के टाइम में जो आपको चाहिए होते हैं स्पोर्ट्स बाइक के अंदर, वो सारे यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे जो है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि यूएसबी में रहने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें टाइप सी होता ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। बाकी चाबी की बात करें तो चाबी वही रहने वाली जैसे पहले आया करती थी, काइंड ऑफ इसमें कोई बदलाव नहीं है सच, तो चाबी वैसी रहने वाली है। बाकी इसकी जो माउंटिंग है हैंडल बार की ये चेंज कर दी गई है। मतलब ये ज़्यादा अच्छी लगा मुझे कि इसके अंदर ना पहले क्लिप ऑन आता था एनएस के अंदर, तो बंदे क्या करते थे मतलब इवन मैं भी एनएस यूज़र हूँ तो मैंने भी ऐसे ही सेटअप डाला हुआ है डोमिनार का, ये सेटअप डाल के और मैंने सिंगल पाइप हैंडल बार जो होता है डोमिनार का मैंने वही लगाया हुआ है। बट कंपनी ने ना सुन लिया क्योंकि इस बाइक के अंदर वो बदलाव हुए हैं जो एक्चुअल में बंदा लेने के बाद एनएस 200 में कराता था। मतलब एलईडी हेडलैम्प, इंडिकेटर एलईडी, हैंडल बार का सेटअप ऐसा, टायर मोटा, तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे सब कंपनी ने सुन लिया, कंपनी ने सब करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैमिका का मास्टर सिलेंडर इसमें मिलता है ऑयल कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल में यहाँ पे आपको जो है डेडिकेटेड स्विच मिल जाएगा जो कि हैजार्ड का रहने वाला है। मतलब कि लगा लो पल्सर सीरीज के अंदर ना ये पहली बाइक रहने वाली जिसमें हैजार्ड मिल रहा है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं, जिससे इसको मैं आगे ऐसे कर दूंगा और अपने अकॉर्डिंग जो है इसको मैं सेट कर सकता हूँ। तो इसमें 5 स्टेप जो है एडजस्ट करने के लिए दिए हुए, तो ये काफ़ी बढ़िया है भाई, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी महंगे आते हैं भाई ये सब चीज़ें, कंपनी ला दे रही है अच्छी बात है, आपको बाहर से आफ्टर मार्केट लाने की जरूरत नहीं है। एक सेफ्टी फीचर में ये अच्छा लगा कि जैसे चाबी मेरे हाथ में हैजार्ड यहाँ पे ऑन है, जैसे कि मान लो आप कभी राइड पे जा रहे हो छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको इमरजेंसी बाइक खड़ी करनी पड़ जाती है, तो उस चीज़ में जो है आपको ये हेल्प करेगा ये वाला फीचर। मतलब आपने बाइक को यहाँ पे लॉक भी कर देना है और ये लगा लो लिटरली आपकी जो बाइक है वो लॉक हो गई, देख सकते हैं आप ये लॉक हो गई बाइक और यहाँ पे जो है ना हैजार्ड हमारे स्टिल ऑन है, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी फीचर है जैसे कार वगैरह में होता है, तो सेम वही फीचर यहाँ पे डाला गया है। अच्छा बाइक जो है E20 कंप्लाइंट रहने वाली है, देख सकते हैं आप यहाँ पे E20 रहने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी की, 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी आती है बाइक आती है। मतलब ये लगा लो डिज़ाइन यहाँ से दिखने में सेम सेम लगेगा, बट श्राउड जो है इसका ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आया सेम प्रीवियस वाला, बट यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर दिया है, काफ़ी बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो मतलब NS400Z जो है मॉडल रहने वाली है, इसके अंदर बदलाव भी हुए हैं। तो बदलाव किस किस चीज़ में हुए हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल आज मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ जो मैं जल्दी से बना रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये बड़ी भी चीज़ है, आपको रेडिएटर का जो ये गार्ड होता है वाला ये भी काफ़ी बड़ा कर दिया, देख सकते हैं काफ़ी एजी एजी बनाया है, ठीक है ना। इधर जो है आपको सिंगल जो है वो मिल जाएगा अपने लेग गार्ड, और नीचे आपको बेली पेन मिलता है जो पहले मिलता था सेम वही है, बट उसमें ग्राफिक 400 की मिल जाती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी 400 की मिलती है, काफ़ी अच्छी होती है। इंजन रहने वाला है 373 cc का, डोमिनार वाला इंजन रहने वाला है। तो ये लगा लो मतलब पूरा पूरा 373 cc का रहने वाला है, पावर जनरेट करता है 40 PS की, और टॉर्क जो है इसका वो 35 Nm रहने वाला है। अगर बात करें इस बाइक की कर्व वेट की, तो ये लगा लो 174 kg रहने वाला है, तो यही एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है इस बाइक के अंदर, क्योंकि डोमिनार अगर आप लेते हो तो NS400Z का ये फायदा है कि 17-18 किलो जो है ना इसका वजन कम मिलता है उस बाइक में देखने के लिए। मतलब कि डोमिनार जो है वो इससे 17-18 किलो जो है ज़्यादा रहने वाली है, और इसके हिसाब से ना ये प्लस पॉइंट देता है इसके अंदर, ये लाइट वेट रहती है, पावर ज़्यादा जो है आपको फील कराती है। अगर बात करें इसकी माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 35 के आसपास की, लेकिन ये लगा लो आराम से 30+ की आपको माइलेज मिलने वाली है। और बात कर लेते हैं पीछे टायर की, तो टायर जो है ना इसके अंदर मिलता है हमारे रेडियल, और ये लगा लो रेडियल के साथ में जो साइज मिलता है हमारे को 140 सेक्शन का मिलता है, जो काफ़ी अच्छा टायर है, मतलब सुपर वाइड टायर रहने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे तो अगर बात करें स्विंग आर्म की, स्विंग आर्म जो है ना ये थोड़ा सा पहले से हैवी कर दिया गया है, ऊपर प्लास्टिक की माउंटिंग दे दी गई है, और ये लगा लो जो नाइट्रोस का सस्पेंशन मिलता है मोनो वाला, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया प्लास्टिक का गार्ड, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी देखने में प्रीमियम से लग रहा है। मतलब इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब इस बार ना बजाज ने जो काम किया है ना वो टॉप नॉच क्वालिटी का काम किया हुआ है। और साइड पैनल पर देख सकता हूँ डिज़ाइन, देखो क्या प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये डिटेल वाली वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, इसमें चेंजेस बताऊंगा आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। बाकी पीछे की तरफ चलें तो यहाँ पे देखो टायर अगर मिल जाता है साइड माउंटेड रहने वाला है, क्योंकि एनएस के अंदर ना कभी डुअल साइड से माउंटिंग कभी आई नहीं, साइड माउंटेड पहले आती थी और अब भी यहाँ साइड माउंटेड दिया है जो बात है, और काफ़ी अच्छा आ रहा है जो बात है, पहले वाले से अच्छा आ रहा है। पीछे टेल टाइडी वही रहने वाली है, हल्की सी यहाँ पे डिजाइनिंग चेंज कर दी है, तो यहाँ पे LED देखने को मिल जाती है, यहाँ पे LED इंडिकेटर मिल जाते हैं प्रीमियम वाले, दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है, एक रिफ्लेक्टर यहाँ मिलता है आपको स्क्वायर शेप में, ठीक है। टेल लाइट सेम वही रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है दोस्तों। इधर से बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है, डिज़ाइन सेम वही मिलता है आपको दिखने के लिए जो पहले आया करता था, स्प्लिट टाइप के आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है सच। बात करें यहाँ पे तो साड़ी गार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, जो काफ़ी सही लग रहा है, बट लेडीज़ फुटरेस्ट है वो मिसिंग रहने वाला है। बात करें फुटरेस्ट की, तो यहाँ पे देखो पिलियन फुटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और ये वाला ठीक है जी, क्वालिटी एक नंबर रहने वाले। सिंगल जो है हमारे स्पोर्टी जो है गियर लीवर मिल जाता है, 6 गियर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, साइड स्टैंड मिल जाता है, सेंटर स्टैंड देखने को नहीं मिलता दोस्तों बाइक में।
आई होप गाइस आपको इस बाइक के फीचर अच्छे लगे होंगे। बाइक का लुक देख सकते हैं साइड से कितना प्यारा लग रहा है। फटाफट से बाइक पे बैठ जाता हूँ तो मेरी हाइट रहने वाली है 5.6। 5.6 के हिसाब से ना दोनों मेरे पैर नीचे आराम से फ्लोर पे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। बड़े प्यार से टिपटोइंग हो पा रही है और बहुत कॉन्फिडेंट कर मैं आप बाइक पर बैठा हुआ हूँ। और बाइक का जो वेट है ना 174 किलो के आसपास रहने वाला, तो काफ़ी लाइट सी फील करा रही है क्योंकि मेरे पैर पूरे पूरे आ रहे हैं इस पर, ठीक है जी। हैंडल की जो पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट रहने वाली है, देख सकते हैं आप, एकदम स्टैंडर्ड रहने वाली है। आराम से इस बाइक पर आप लॉन्ग टूर कर सकते हो, ये लगा लो सिटी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो बाइक है ना लाइट वेट होने की वजह से ना आप सिटी में आराम से यूज़ कर सकते हो। डोमिनर थोड़ी भारी होती है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी मतलब सिटी में। अब बात कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट करते हैं, आवाज़ सुन लेते हैं बाइक की भी कैसी रहने वाली आवाज़। तो दोस्तों आवाज़ ना सीरियसली बता रहा हूँ सेम है, लग रहा है मैं डोमिनर में बैठी हूँ, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल डोमिनर वाली रहने वाली है, क्योंकि मैं पहले डोमिनर यूज़र भी रहा हूँ, इस वजह से बिल्कुल सेम आवाज़ रहने वाली डोमिनर वाली। तो फटाफट से इंजन की आवाज़ सुन लो। अगर आरपीएम की बात करूँ तो 1200 आरपीएम इसका रहने वाला है, जो कि स्टे रहने वाला है, बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। तो आवाज़ सुन लो पहले आप इंजन की। तो ऐसी कुछ इंजन जो है आवाज़ कर रहा है, इसके अंदर मिलता है हमको अंडरबेली एग्जॉस्ट। तो आप जो है फटाफट से सुन लेते हैं अंडरबेली की आवाज़। जो बात है भाई, बाइक के अंदर ना पहले से ज़्यादा जो है ना, मतलब ये लगा लो खतरनाक वाली आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है पहले से ज़्यादा। मतलब अब लग रहा है कि हाँ भाई वाकई में जो डेयरिंग जो होती है ना बाइक की, वैसी रहने वाली है यहाँ पे, डेफिनेटली डेयरिंग। तो इस हर वो काम कर सकते हो जो मतलब पहले सोचा करते थे कि भाई 200 NS कर पाएगी नहीं कर पाएगी, भाग पाएगी नहीं भाग पाएगी। तो ये लगा लो बहुत अच्छी स्पीड मिलने वाली है आपको, चाहे वो आपको क्रूजिंग स्पीड चाहिए क्रूजिंग स्पीड, या आपको चाहिए इनिशियल वाला फील, तो इनिशियल वाला फील भी आपको कराती है ये वाली बाइक। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई बाइक वर्थ है, मतलब जो जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी लॉन्च करी है 1,85,000 रुपये इसका एक शोरूम रहने वाला है। बाकी आपकी सिटी में जो है ना क्या रेट चल रहा है वो आप देख लेना, बाकी 1-2,30 के आसपास ही आपको मतलब पड़ जाएगी। और बाकी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है बाइक। बाकी मैं मिलता हूँ स्टूडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।